हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक आसान सी रेमेडी शेयर करूंगी क्लियर, स्पॉटलेस, ग्लोइंग एंड पोरलेस स्किन के लिए। मुझसे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने कहा है कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कोई भी फेस मास्क बनाने के लिए, तो आज मैं आपसे एक ऐसी आसान सी रेमेडी शेयर करूंगी जो कि अगर आप एक बार बना लेंगे तो आप उसे 15 दिनों के लिए यूज़ कर पाएंगे। इस रेमेडी से आपकी स्किन क्लियर एंड स्पॉटलेस होगी। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं तो वो भी रिमूव होंगे। अगर आपकी स्किन पर ओपन पोर्स हैं जिससे हम रोम छिद्र कहते हैं, अगर वो होंगे तो वो भी श्रिंक होंगे। अगर आपको गर्मियों में सनटैन या सनबर्न हो गया है तो इस रेमेडी से आपकी स्किन को उसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए इस आसान से रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा 3 टेबलस्पून राइस यानी चावल। आप उन्हें अच्छे से एक दो बार पानी से धो लीजिए और फिर उसे आधे कप पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा आधा कप कच्चा दूध और लास्ट हमें चाहिए होगा एक फ्रेश एलोवेरा लीफ। सबसे पहले आप एलोवेरा का लीजिए और उसके साइड्स में जो कांटे होते हैं उन्हें निकाल लीजिए और फिर लीफ को बीच में से स्लिट करके उसमें से उसका जेल स्क्रेप आउट कर लीजिए। एलोवेरा जेल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ऑल स्किन टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन को हील करता है। एलोवेरा में एंटी एजिंग क्वालिटीज़ होती हैं एज इट इज़ रिच इन विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि ब्लेमिशेस और स्कार्स को भी लाइटन करता है। एलोवेरा के यूज़ से हमारे स्किन पर जो ओपन पोर्स होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्ने को भी रिड्यूस करती हैं। इसमें ज़रूरी तत्व होते हैं जो कि ग्रोथ ऑफ न्यू स्किन सेल्स को प्रमोट करते हैं। आप एलोवेरा जेल को स्क्रेप आउट कर लीजिए। नेक्स्ट आप एक ब्लेंडर लीजिए और उसमें जो हमने एलोवेरा जेल निकाला था उसे ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट आप उसमें जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो ऐड कर दीजिए और आखिरी में कच्चा दूध ऐड करके इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। हमें इसका एक स्मूथ मिक्सचर चाहिए होगा। आप अच्छे से इसको पीस लीजिए और फिर इसे किसी ग्लास में निकाल लीजिए। अब इस सॉल्यूशन को आप एक आइस क्यूब ट्रे में डाल करके इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए छोड़ दीजिए। इन आइस क्यूब्स को आप एक बार बनाकर 15 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको ये आइस क्यूब यूज़ करनी हो तो आप एक आइस क्यूब लीजिए और इसे अच्छे से अपने चेहरे पर ऐसे रब कर लीजिए। इसको रब करने से आपके फेस पर जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक होंगे, आपके काले दाग धब्बे जो आपके चेहरे पर हैं वो रिमूव होंगे, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो इससे वो भी दूर होगी। सन टैन में और सनबर्न में तो ये सूट करेगा ही, आपकी स्किन को एकदम फ्लॉलेस बना देगा। अगर आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा ओपन पोर्स की आपको प्रॉब्लम है तो आप इन आइस क्यूब्स को दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट्स लगाकर आप इसे छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट सूखने के लिए और जब ये कम्प्लीटली सूख जाए तो आप इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। इसमें राइस फ्लावर ऐड किया है। राइस फ्लावर में हाई अमाउंट्स ऑफ पैरामीनोबेंजोइक एसिड एंड एलेंटोइन होता है। पैरामीनोबेंजोइक एसिड एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है और बॉडी में विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है। चावल का आटा हमारी स्किन को रिपेयर करता है, सन डैमेज को रिवर्स करता है, स्किन पर से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को फेड ऑफ करता है और हमारी स्किन को एकदम फ्लॉलेस बनाता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक बहुत ही अच्छा स्किन लाइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है। लैक्टिक एसिड हमारी स्किन पर कोई भी अगर दाग धब्बे होते हैं, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसे क्योर करता है। तो जब हमने इस रेमेडी में दूध ऐड किया है तो वो भी हमारे स्किन को फ्लॉलेस और स्पॉटलेस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता एक इलेबोरेट स्किन केयर रूटीन के लिए या फेस मास्क बनाने के लिए तो बस आप इन आइस क्यूब्स को 15 दिन में एक बार बना लीजिए और इसे कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने यूज़ कीजिए। जब आप इसे कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे तो आप अपनी स्किन में डिफरेंस खुद नोटिस करेंगे। ये आपकी स्किन टोन को इवन आउट कर देगा, आपकी स्किन टोन को लाइटन भी करेगा। अगर आपको सन टैन है तो ये सन टैन को कम्प्लीटली रिमूव करेगा, सन बर्न को सूट करेगा। अगर आपके फेस पे एक्ने स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप बस इन आइस क्यूब्स को बनाकर 2 से 3 महीने एटलीस्ट यूज़ कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस आके मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फायदेमंद वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।